सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। जैसी नगर के एक्सीलेंस स्कूल में 13 जुलाई से 15 तक जुलाई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 45 स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि सरकार अब शासकीय स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को अन्य गतिविधियों जैसे चित्रकला, हस्तकला, लोकगीत, लोक नृत्य, प्रदर्शनकारी कलाओं, प्रश्न मंच, सिलाई कला जैसी विधाओं में भी निपुण करेगी। इसी उद्देश्य को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों को इन गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह बच्चों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सके। शिक्षकों को विकास खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर शिक्षिका डॉक्टर कल्पना शर्मा, केपी सिंह, श्री आशीष प्रजापति, श्री बाबूलाल, श्रीमती रानी कोष्टी, श्रीमती अर्चना दुबे, श्रीमती विनीता शर्मा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण संचालक प्राचार्य दुबे के निर्देशन में व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है। शिक्षक कृष्ण मुरारी बड़ोनिया और कमल सिंह ठाकुर द्वारा कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में सहयोग किया जा रहा है। जयसिंहनगर से कुलदीप चौरसिया की रिपोर्ट। यहाँ पर जो CCLE का जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एवं अधिगम है, इसमें जैसी नगर के 14 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लगभग 45 टीचर्स इसमें प्रशिक्षणार्थी के रूप में शामिल हो रहे हैं और हमारे क्रोर ग्रुप के लगभग 10 सदस्य हैं जिन्होंने भोपाल में 3 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करके यहाँ पर उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ पर बच्चों को? जो शनिवार की इस बार 2 सालों से हमारे शिक्षा विभाग में एक नई रणनीति आई है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के अलावा अन्य साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, चित्रकला, लोक कलाएं हैं उनमें प्रतिभागिता करना है और सदन का निर्माण करके उनमें कंपटीशन की भावना को जागृत करते हैं ताकि बच्चों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको मंच मिले और एक व्यावसायिक दृष्टिकोण को भी आगे, वो नौकरी के लिए नहीं मिल रही है तो वो दूसरी दिशा में जाकर अपना उसको पेशा बना सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। और एक कलाकार अंदर बच्चों में छुपाई होता है किसी न किसी विधा में, तो वो उस कला को हम बाहर लाने की, उनकी कलाओं को एक मंच प्रदान करते हैं इस गतिविधि।